अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है लास्ट प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके हवाले से पढ़ा था। उसमें हमने सबसे पहले वर्ड का यूजर इंटरफेस के हवाले से पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि फाइल टैब में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, फिर हमने होम टैब को देखा था, होम टैब में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, फिर हमने इंसर्ट टैब के अंदर जो है वो टेबल्स के ऊपर जो है वो चीज़ें पढ़ी थी। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पिक्चर को। देखें, पिक्चर्स जो है आज के दौर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स जो है हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ करनी पड़ती हैं, उसमें टेक्स्ट लिखना पड़ता है, उसमें अलाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं। ये तो एक डॉक्यूमेंट के हवाले से आ गया ना, लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं कुछ अलग से भी करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप देखें, इट इज़ एन एरा ऑफ सोशल मीडिया ना, तो हर कोई अपनी पिक्चर्स, डीपी, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं। तो आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा जो है वो उस हवाले से भी हम कर लेते हैं, ताकि आप अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप और जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, तो वहाँ पर आप चाहें अपनी पिक्चर्स को एडिट वगैरह करना, तो वो भी आप कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सपोज करें जो है मैं ये वाली पिक्चर जो है वो अपनी इंसर्ट कर लेता हूँ इस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। सी देखिए, यहाँ पर आपको जो कॉर्नर पर है सर्किल से नजर आ रहे हैं। सर्किल बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली ये बता रहे हैं कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है। अब ये बहुत बड़ी है, मुझे नजर नहीं आ रही है, मुझे स्क्रोलिंग करनी पड़ रही है, पेज अप एंड पेज डाउन करना पड़ रहा है यहाँ से, तब जाके बेसिकली जो है वो आई कैन सी दिस पिक्चर्स। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए, कॉर्नर से बेसिकली आप छोटा कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर पे पकड़े, तो यहाँ से देखें तो यू कैन किसी भी कॉर्नर पे आप पिक्चर को करके यू कैन बेसिकली मेक इट स्मॉलर और लार्जर। यहाँ से करेंगे तो एक्चुअली जो है वो पिक्चर्स की क्वालिटी और वो जो पोजिशन है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए मैं दोबारा से ये कर लेता हूँ, ताकि अंडू, ताकि वो जो पिक्चर की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब ना। अच्छा, इसमें जब आपने बेसिकली होता क्या है, जब भी सोशल मीडिया वगैरह पे अगर आप कोई तस्वीर वगैरह खींचते हैं, तो आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से करते हैं? तो आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है। उस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद बेसिकली देखें, वैसे ये जो फॉर्मेट टैब है ये नहीं होगा, वर्ड के अंदर ये चीजें डिफाइंड है कि जिस चीज को आप सिलेक्ट करोगे उसकी बेसिस के ऊपर वो फॉर्मेट टैब एक्टिव हो जाता है। क्योंकि आपने एक इमेज सिलेक्ट किया हुआ है, तो जो फॉर्मेट टैब है वो एक इमेज का बेसिकली एक्टिवेट हुआ हुआ है। तो जैसे ही आप इमेज सिलेक्ट करते हैं और यहाँ फॉर्मेट पे जाते हैं, तो ये देखें यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का जो है एक आपके पास ऑप्शन आ गया है। जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, तो देखिए इसने ये जो पिंकिश शेड कर दी है ये रिमूव कर दी है। अगर आप देखना चाहें तो कि किस तरह से है, देखें की चेंजेस इसने सारा रिमूव कर दिया। आप इसमें से कुछ वो चीजें भी रिमूव कर दी है जो कि आप रिमूव करना नहीं चाहते थे। तो आप किस तरह से करेंगे, आप इसे अंडू करें और रिमूव बैकग्राउंड पे जाएं, और यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये वाला एरिया है, तो ये देखिए मार्क एरिया शो की, मतलब अगर आप इस टैब को ऑन करते हैं तो इससे वो एरिया जो आप चाहते हैं कि वो उसने रिमूव कर दी है तो वो बेसिकली लेकर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने मार्क एरिया टू एरिया टू कीप पर क्लिक किया, और मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखें ये वाला पोर्शन वापस लेकर आ गया है वो वाला। अब देखें यहाँ से ये जो हैंड का एरिया है ये भी बेसिकली जो है वो रिमूव हुआ, मैं चाहता हूँ ये वाला एरिया आ जाए, तो सी आई हैव टेकन दिस एरिया एज वेल। अब अगर मैं देखूँ कि सपोज करें मार्क एरिया टू रिमूव ये है, देखें ये रिमूव हो गया है यहाँ से। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि चेंजेस, देखिए टेबल का ये वाला एरिया जो है वो भी अभी जो है वो है, तो मुझे इसको भी रिमूव करना है। तो रिमूव बैकग्राउंड में गया मैं, यहाँ पर मार्क एरिया टू रिमूव को सेलेक्ट किया, देखें यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि चेंजेस, जी टेबल वाला एरिया भी जो बेसिकली जो आपका वो रिमूव हो गया। अब ये तो हो गया, तो अब इसे बेसिकली मैं रिमूव बैकग्राउंड मैं जाऊं और ये मैंने प्रॉपरली कर लिया, कीप चेंजेस ये हो गई, मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए सारी सारी चीजें रिमूव हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड के अंदर भी जो है वो कुछ बेहतर सी तस्वीर लें, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, दोबारा से मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा, इमेज के अंदर जाऊंगा, सपोज ये वाला इमेज ले लेता हूँ, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो अब देखें ये इंसर्ट
तो वो जो मेरी पुरानी इमेज है वो आई डोंट नो वेयर, तो आप यहाँ से बेसिकली स्क्वायर जो लेआउट है इससे आप बेसिकली पिक्चर को मूव कर सकते हैं। सी, ये मैं यहाँ यहाँ मूव कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, जब मैंने इंसर्ट किया तो उसके पुरानी जो इमेज है उसको अंडू कर दिए, मैं इसे वापस वो वाली इमेज ले आता हूँ। यहाँ पर बेसिकली जो है मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। देखें, आई कैन इजली मूव दिस इमेज वेर एवर यू वांट। अगर मैं इसको स्क्वायर नहीं कर रहा था तो ये बेसिकली अपनी मर्जी से मूव नहीं हो सकती थी जहाँ पर भी मैं इसको मूव करना चाहता। अब मैं यहाँ पर एक और इमेज जो बैकग्राउंड वाली इमेज है वो भी लाना चाह रहा हूँ। तो वो इमेज हम किस तरह से लाएंगे, हम बेसिकली इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से इस इमेज को भी इंसर्ट करेंगे। तो देखें स्पेस के अंदर ये दोनों आ गई है। अब ये बेसिकली देखें मूव नहीं हो पा रही ना, तो मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्वायर करूंगा जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो देन आई कैन बेसिकली रोटेट इट वेयर एवर आई वांट। तो इसको भी मैं पहले से स्क्वायर कर चुका हूँ ताकि, तो अब मैंने इसके ऊपर कर दिया। अब वो जो इमेज है वो भी स्क्वायर में कन्वर्ट की है, वो भी इसके बैक पे चली गई। अब जो ये वाली जो इमेज है ये बेसिकली बैक पे चली गई और वो वाली जो है बेसिकली फ्रंट पे आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो ये इमेज बेसिकली यहाँ पर आ गई है। अब बेसिकली देखें दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉर्मेट को। तो यहाँ पर बेसिकली अब मैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ ना। एक्चुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि ये जो इमेज है ये ज्यादा आई हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर दूं और स्क्वायर शेप में आ जाए ताकि इस बैकग्राउंड के अंदर वो प्रॉपरली सूट करे। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज में जाकर यहाँ से जो क्रॉप है इसको बेसिकली मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने ये क्रॉप में देखिए सर्किल्स आ गए, जो सॉरी बॉर्डर्स क्रिएट हो गए। इस बॉर्डर्स को बेसिकली मैं क्लिक करके अपने माउस का राइट क्लिक जो होता है वो करके मैंने इतना इमेज सिलेक्ट किया और मैं साइड में जैसे क्लिक करूंगा इसको इतना इमेज क्रॉप कर दिया। तो अब मैं बेसिकली इसको यहाँ पे यहाँ पे मैं ले आता हूँ, या यहाँ पर जहाँ पर आपको बेहतर लगता है आप वहाँ पर रख लें। मैंने सपोज करें इसको मैंने यहाँ पर रखना हूँ सेंटर के ऊपर कि मैं इस टेबल के ऊपर बैठा हूँ एंड सो उसी आपने बेसिकली एक इमेज है उसके अंदर उसका बैकग्राउंड जो है वो किस तरह से आपने सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं दैट कैन बेसिकली वर्क ऑन। आप बेसिकली यहाँ पे जाएंगे करेक्शंस में। करेक्शंस में बेसिकली देखें इसके थ्रू आप जैसे जैसे सिलेक्ट करते जाएंगे ये शार्पन है इमेज की ना, तो बेसिकली आप ये बेसिकली देखें जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं वो सारे हैं। ज्यादा ब्लैक करती है ये, थोड़ा लाइट, ये थोड़ा सा और लाइट आ गई है उसमें। यू कैन बेसिकली चेंज, यहाँ वही था जो ओरिजिनल आपका था और ये बेसिकली आप यहाँ से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो सपोज करने आई थिंक जो है जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का इफेक्ट है वो ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है एज कम्पेयर टू ऑल दिस। तो हम जो है इसको बेसिकली यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद बेसिकली यहाँ से कलर स्कीम्स भी हैं। अगर आप चाहें तो अपनी इमेज की जो कलर स्कीम्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम दीज कलर स्कीम्स। सी, यू कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। सी, एंड क्योंकि ये इमेज सेलेक्ट हुई है, जो इमेज सेलेक्ट करेंगे अब ये सेलेक्ट करके इसकी कलर स्कीम चेंज करेंगे तो इसकी कलर स्कीम चेंज होगी। सो दिस इज अप टू यू के जो जो इमेज आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी कलर स्कीम चेंज करनी है और सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज कलर स्कीम ऑफ योर इमेजेस एंड सो ऑन। सी, ब्लू एंड ब्लैक से जो है वो ब्लू में चला गया एंड सो ऑन। सो यू कैन डू दिस इन दिस वे। अच्छा, ये बेसिकली रेड है और मैं कलर स्कीम यहाँ से जो है वो मोर वेरिएशंस भी हैं, यहाँ से आप रेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सी, यू कैन सिलेक्ट व्हाट एवर यू वांट ओवर देयर। अच्छा, उसके बाद जो बेसिकली जो है ये आर्टिस्टिक्स इफेक्ट्स भी हैं इसके अंदर। जैसे मैंने वो अंदर वाली इमेज सेलेक्ट की हुई है तो ये आर्टिस्टिक इफेक्ट जो है जिसमें ब्लर है और ये डिफरेंट जो हम करते रहते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर भी आप यहाँ से इम्पोर्ट करवा सकते हैं सारे के सारे चीज़ें। तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली चेंज बैकग्राउंड ऑफ योर इमेज एंड सो ऑन। मैं ननी कर देता हूँ एंड सो ऑन। तो यहाँ से करेक्शन से दोबारा रिपीट करते चलूँ, बैकग्राउंड में डिफरेंट जो लाइटनिंग इफेक्ट्स हैं वो अप्लाई करा सकते हैं और जो कलर है यहाँ से बेसिकली आप जो भी आपने इमेज सेलेक्ट किया होगा उसका बेसिकली
जो कलर स्कीम है वो डिफरेंट है, वो आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन हैव सेट ट्रांसपेरेंट कलर, ये भी आप कर सकते हैं जहाँ पर भी आप करें। सी यू कैन हैव दोस कंट्रोल सेट करके मैं अंडू करता हूँ। आर्टिस्टिक इफेक्ट में बेसिकली आप बिल्ट इन काफी है, आप उन चीजों को भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू। ओके सो दिस इज आर्टिस्टिक इफेक्ट, दिस इज सिंपल एंड दिस इज सी। इसमें थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर हो गया आई थिंक, या फिर ये वाला भी ज्यादा बेहतर है। सो आई एम सिलेक्टिंग दिस वन। ओके अब जो है इन दोनों को आपने बेसिकली सेव किस तरह से करना है इसके अंदर ना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप पहले इन दोनों को ग्रुप कर दें, और ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और तो इनको ग्रुप करने का तरीका क्या है कि आप बेसिकली इन इमेजेस को दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और माउस के क्लिक दोनों इमेजेस पे करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में दिस इज अ प्लेस टू ग्रुप, आपने यहाँ से इनको ग्रुप किया, अब ये दोनों एक ही इमेज बन गए। सो एक्चुअली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली नाउ जब ग्रुप का क्या मकसद होता है, देखिए जब ग्रुप करते हैं तो हम छोटा बड़ा करें तो ये इकट्ठा बेसिकली हो रहा होता है ना, आप मूव करेंगे तो इकट्ठी इमेजेस जो है वो आपकी मूव हो रही होंगी। अब जब आप इमेज सेव करते हैं तो इमेज सेव करते हुए दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसका जो साइज है जो आप सेव करना चाह रहे हैं कि वो साइज कितना होना चाहिए। तो उस साइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस साइज के लिए आपको इस कॉर्नर पे जो साइज वाला ऑप्शन है यहाँ पर, ये कॉर्नर में जो ये है इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लिक करने के बाद में जो लॉक एस्पेक्ट रेशियो है यहाँ से आप इसको डिसेबल करेंगे, देन यू कैन एक्चुअली हैव हाइट और विड्थ आपकी पसंद की ना। सपोज फिलहाल ये अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप यहाँ पर इसको आकर होम टैब के अंदर कट करेंगे, और सॉरी यहाँ पर इसे होम टैब के अंदर आकर आप इन दोनों को ग्रुप हमने कर दिया था। ग्रुप करने के बाद आपको ये सेव करना है तो आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसे कट करेंगे, कट करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे पेस्ट पेस्ट स्पेशल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसको बेसिकली जेपीजी जेपीजी सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे। तो ये बेसिकली आपको जो है पेस्ट पेस्ट स्पेशल जेपीजी, ठीक है ये जेपीजी हो गया। अब यहाँ पर आप इसे आके सेव एस कर दें, ये डेस्कटॉप भी सेव कर देते हैं इसको। तो यहाँ से आपने इसको कट करने के बाद ये तस्वीर देखें, यहाँ से आपने इसको कट करने के बाद यहाँ से आप इसको पेस्ट स्पेशल करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जेपेज ओके करेंगे, फिर आप यहाँ से इसको करेंगे सेव एज पिक्चर। तो सेव एज पिक्चर पे यहाँ पे न्यू पिक के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मैंने इमेज बनाया था वो बेसिकली यहाँ पर डेवलप हो गया है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज बैकग्राउंड ऑफ योर इमेज। एक और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ जिसमें हम एक और पिक्चर लेंगे, उसमें भी थोड़ा सा ये वाला काम करके देखेंगे। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से करते हैं।